आप इंतजार कर रहे हैं जब तक हम भी मतलब कुछ रामलला के जो आप चूंकि दर्शन के लिए जा रहे हैं तो आपकी जुबान से सुने कि रामलला की जो फिर से प्रतिष्ठापना हुई है। अयोध्या वो धाम है जहाँ अयोध्या मथुरा माया काशी कांचे अवंतिका पुरी द्वारा वतिष्ठे सप्तते मोक्षदायिका, ये सात पवित्रतम नगरियां सदैव से पूजनीय है, जहाँ जीवन हमेशा जो प्राणी पहुँचता है उसको मोक्ष मिलता है, परमात्मा की कृपा है, कई जन्मों के पुण्य से इनका संबंध आता है। अयोध्या उस मंत्र का सबसे पहला नाम है और स्वाभाविक रूप से भगवान श्री राम का रघुवंश का 17 लाख साल पुराना वो काल, जिस काल की कल्पना करना भी आज कठिन है, लेकिन उसमें भी सुशासन की जो उनने स्थापना की थी, यही कारण है कि युगों युगों से हर कोई राजा जिनने सुशासन की स्थापना की उसके जीवन में सपना रहता है कि मैं राज्य करूं तो राम राज्य की तरह राज्य करूं। और उस आधुनिक समय में कलयुग में 2000 साल पहले सम्राट विक्रमादित्य हुए जिनने सुशासन की राम राज्य की कल्पना को साकार रूप देकर दिखाया और हमारे लिए न केवल शकों को परास्त किया बल्कि अलग अलग ऐसे देवस्थान की प्रत्येक नगरी को भी पुनर्निर्माण करते हुए समाज के सामने एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। अयोध्या भी वो स्थान है जहाँ सम्राट विक्रमादित्य ने सरयू के किनारे वो स्थान ढूंढा और न केवल भगवान श्री राम के जन्म स्थान का बल्कि उनके जीवन की जुड़ी हुई विविध घटनाओं के अलग अलग प्रकार के सारे निर्माण कार्य जो पुरातात्विक प्रमाण के नाते से आज भी मिलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में इस बात को कोट किया गया कि जो देवस्थान के पुराने अवशेष मिले हैं वो 2000 साल पुराने अवशेष है जो सम्राट विक्रमादित्य का काल था। ऐसे में हम सबका और सौभाग्य हो जाता है जब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से 500 साल के संघर्ष के बाद दोबारा भगवान अपने गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा पाते हैं, तो निश्चित रूप से हम सबकी इच्छा होती है कि हम अपने रामलला को दर्शन करने के लिए जाएं, उनसे आशीष लेने जाएं और हमारी सरकार सुशासन के रूप में जानी जाती है तो रामराज्य की कल्पना को साकार करते हुए गरीबों की सेवा करने के लिए उनके बीच में जाएं। मैं अपना ओर से एक बार फिर सभी प्रदेशवासियों को बताना चाहूंगा कि जब जिसको समय मिले वो जरूर अयोध्या जाए। मैंने सभी जनप्रतिनिधियों से कहा है वो अपने अपने क्षेत्र की जनता के साथ जरूर अयोध्या दर्शन करने जाए।